आनंद के परम पावन अवसर पर अश्रु मत बहाओ, परतंत्रता के बंधन को काटकर स्वतंत्र वातावरण में श्वास ले रहे हैं। आज तो हम शत्रु के बंधन से मुक्त हुए हैं माते। शनि, तुम्हारे पिता तुम्हारे शत्रु नहीं है, उन्होंने तुम्हें जीवन दिया है, जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की है, उन्हें अपमानित ना कर पुत्र। वो अपमानित करने के योग्य ही है देवी छाया, उस अहंकारी सूर्य के साथ किसी की भी नहीं बनती, सभी के साथ अनबन रहती है, जैसे शनि देव के साथ हुई है। बहु तुम यहाँ इस समय उचित अवसर पर उचित बात कहने के लिए ही मैं संसार में विख्यात हूँ। तुम्हारे पिता सूर्य देव की तुम्हारे प्रति शत्रुता मैं जन्म से निहारता आ रहा हूँ। मुझे ज्ञात था शनिदेव कि तुम्हारे जैसा गौरवशाली ग्रह उस अहंकारी सूर्य देव के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकता, वो पग पग पर तुम्हें अपमानित कर रहा था। बुद्धिहीन राहू, तू मेरे महान पति को अपमानित करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? वे समस्त ग्रहों के अधिपति है, उनका स्थान सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तुम्हारे उस श्रेष्ठ पति को ग्रस कर मैं उसके तेज को खंडित कर देता हूँ। श्रेष्ठ वो है या मैं? सत्य कहें शनिदेव, क्या तुम भी अपनी माता का समर्थन करते हो? कदापि नहीं राहू, मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे पिता के कुटिलता पूर्ण संकेत के कारण ही समुद्र मंथन में निकले अमृत को पीते समय विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से तुम्हारे मस्तक को काट डाला था। अपने पिता के कुटिल कुकृतियों पर मुझे तुमसे सहानुभूति है राहु। तो आज से हम इस स्वतंत्र वायु को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मित्र हुए, सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे और दुष्ट देवताओं के हर प्रयास को विफल कर देंगे। मुझे तुम्हारी मित्रता स्वीकार है राहु। अहंकार में डूबे रहते हैं, मैं उनके लिए विकार हूं, किंतु समभाव और समदृष्टि रखने वाले प्राणियों के लिए मैं कर्णधार हूं, मैं ओंकार हूं। दूसरी ओर दुखी देवी संज्ञा को अपने पिता के घर में भी आश्रय नहीं मिला। वन में भटकती देवी संज्ञा को ब्रह्मदेव की प्रेरणा से देवर्षि नारद ने भागवत भक्ति का मार्ग दिखाया। कथा सुनते सुनते विचलित सी हो गई देवी सरस्वती को देखकर ब्रह्मदेव ने कहा, आप किस सोच में पड़ गई देवी सरस्वती? ब्रह्मदेव, मैं ये सोच रही थी कि कश्यप और आदित्य के तेजस्वी पुत्र सूर्यदेव इतने निष्ठुर और कठोर कैसे हो गए? सूर्यदेव ने देवी संज्ञा की भावनाओं को समझने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? सूर्यदेव ने उन्हें रोका क्यों नहीं जब वे सूर्यलोक छोड़कर जा रही थी? अब तो मुझे भी देवी संज्ञा के आरोप सत्य दिखाई दे रहे हैं। भले ही देवर्षि नारद ने अपनी चतुराई से देवी संज्ञा के आरोपों को खंडित कर दिया हो, परंतु इसमें सत्यता तो है ही। अर्थात आप त्रिदेव भी यही सोचते हैं कि यदि सूर्यदेव
रुष्ट हो गए तो? ये तुम क्या कह रही हो देवी? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। देवी संज्ञा अपनी बात को दृढ़ता से ना कह सकी, परंतु ये बात सत्य है कि सूर्यदेव की तेजस्विता के कारण आप सभी देवता देवी संज्ञा के विरुद्ध अन्याय कर रहे हैं। यह मिथ्या आरोप है देवी। सूर्यदेव तेजस्वी हैं, उनके प्रचंड प्रकाश से संसार को गति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु इस कारण हम त्रिदेव उनकी कठोरता के विरुद्ध कुछ करने के इच्छुक नहीं, यह असत्य है। तो आप सूर्यदेव को उनकी निष्ठुरता और देवी संज्ञा के प्रति किए हुए अन्याय के लिए प्रताड़ित करेंगे? नहीं देवी सरस्वती, देवी संज्ञा के प्रति सूर्यदेव के व्यवहार में निष्ठुरता और अन्याय मुझे दिखाई नहीं देता। देवी संज्ञा ने आशंका और भ्रम से अपने जीवन को दुविधा के दलदल में धकेल दिया है। उनके जीवन में जो दुर्घटना घटी है उसकी वे उत्तरदायी स्वयं है। देवी सरस्वती, देवी संज्ञा का सूर्यलोक और सूर्यदेव को त्यागना अनुचित है। मैं जानती हूँ ब्रह्मवाक्य संसार का अटल सत्य है, इसलिए बिना शंका आशंका के मैं आपकी बात को सत्य मान लेती हूँ। परंतु अब क्या होगा? अब तो आपके ही मानस पुत्र देवर्षि नारद ने देवी संज्ञा को भागवत की भक्ति का मार्ग दिखा दिया है, तो क्या आप परम भागवत श्री हरि विष्णु देवी संज्ञा के कष्टों का अंत करेंगे? मैं जानता हूँ देवी, इस समय ज्ञान विज्ञान की स्वामिनी देवी सरस्वती नहीं अपितु आपके भीतर समाई हुई एक नारी बोल रही है। एक नारी का दुख कष्ट अपमान और तिरस्कार देखकर आपका नारीत्व मुखरित हो गया है। किंतु सोचिए, क्या हम त्रिदेव अथवा तुम त्रिदेवियां आपसी सहमति के बिना कोई काम करते हैं? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ ब्रह्मदेव। ये तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर है। हम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की आपसी और सांकेतिक सहमति के बाद हमने संज्ञा को नारद के माध्यम से भागवत भक्ति का मार्ग दिखाया है। अर्थात देवी संज्ञा को दुख और कष्टों से मुक्ति मिलेगी, यातना और अपमान के स्थान पर सम्मान मिलेगा। यदि वे सच्चे हृदय से स्वयं को भागवत भक्ति में समर्पित कर देंगी तो ऐसा ही होगा। तुम तो जानती ही हो कि हम त्रिदेव और त्रिदेवियां अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो भक्त माया मोह लोभ पाप अभिमान और अहंकार को त्याग कर भगवान को पुकारता है, भगवान उसे सब कुछ देकर भी यही सोचते हैं कि मैंने तो इसे कुछ दिया ही नहीं। परंतु ब्रह्मदेव, आप निश्चिंत रहें देवी सरस्वती, देवी संज्ञा के मन में उठता भ्रम जाल अवश्य नष्ट होगा। वे भागवत भक्ति की गंगा में भीग कर सत्य को पहचानेंगी। दूसरी ओर सूर्यदेव भी घटनाओं का पुनर्मूल्यांकन करके अपने कर्तव्य को समझेंगे। परंतु क्या ब्रह्मदेव, आप कहते कहते रुक क्यों गए? कहिए स्वामी। तुम्हारी आशंका अनुचित है देवी। जो कुछ मैंने कहा है वही सत्य है, पर इस सत्य के सत्य होने से पहले सूर्यदेव और संज्ञा के जीवन में एक नहीं अनेकों विचित्र घटनाएं जन्म लेंगी, और इन विचित्र घटनाओं का अंत संज्ञा की भागवत भक्ति के साथ होगा। जय श्री हरि, 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 जय
पिताश्री पिता सूर्यदेव, हमारी प्रिय माता कहाँ है? यम यमी, आप तो संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते रहते हैं पिताश्री, कृपया बताएं हमारी माता कहाँ है? पिताश्री, हम अपनी माता के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, बताएं हमारी माता कहाँ है? यमदेव, यमुना, हम तुमसे असत्य नहीं कहेंगे, हमें ज्ञात है कि तुम्हारी माता कहाँ है। तो हमें भी बताइए पिताश्री। हम दोनों आपके और माता के परस्पर विरोध से उद्विग्न हैं। हम आपके और माता के पुनर्मिलन के इच्छुक हैं पिताश्री। यमी, यमदेव, तुम्हारी माता संज्ञा एक दृढ़ प्रतिज्ञ और स्वाभिमाननी है, वे तुम्हारे मनाने से मानने वाली नहीं है और हम स्वयं तुम्हें इसकी स्वीकृति नहीं देंगे कि तुम अपनी माता को सूर्य लोक लौट आने के लिए मनाओ। तो क्या इस विवाद का कभी अंत ना होगा पिताश्री? जब तक संज्ञा स्वयं लौट कर नहीं आती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वे स्वयं सूर्य लोक का त्याग करके गई थी। तुम दोनों का कल्याण हो। जगत के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु, आपकी जय हो प्रभु। आपके पावन दर्शन पाकर न केवल मेरा जीवन धन्य हुआ है, अपितु मेरी प्रतीक्षा का भी अंत हुआ है। मैं जानती हूँ प्रभु, आपकी उपस्थिति कष्टों का अंत करके जीव को उसके योग्य सम्मान दिलाने वाली है। हे परमेश्वर, आप मेरी दुविधा और कष्टों का अंत करें। देवी, आपकी दुविधा और आपके कष्टों का कारण आपका मन है। हम तो आपके मन के भ्रम जाल को तोड़ने के लिए प्रकट हुए हैं। देवी, ये सत्य है कि हम आपको यहाँ वरदान देने के लिए प्रकट हुए हैं, किंतु उसके पहले आपको हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हर प्रश्न के उत्तर तो आप स्वयं हैं जगदीश्वर। देवी संज्ञा, हम आपके मन की बात जानते हैं, किंतु स्थिति को देखते हुए हम आपके मुख से अपने प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। देवी संज्ञा, आप अपने पति सूर्यदेव से पुनर्मिलन की इच्छुक हैं अथवा नहीं? देवी, सूर्यदेव के प्रति आपके मन में समाये भय से हम अनजान नहीं हैं, किंतु आपने अपनी सोच और कल्पना को आकार देकर उस भय को भयानक बना दिया है। देवी, हम इसी समय अपनी दिव्य वैष्णवी शक्ति से
उस भय को समाप्त कर देंगे और उसके बाद आप स्वयं अपने पति से मिलने के लिए उत्सुक हो जाएंगी। जगदीश्वर, यदि आप अन्यथा न लें तो मैं भी एक जिज्ञासा। पूछिए, अवश्य पूछिए। इस समय आपकी हर जिज्ञासा का अंत करना हमारा कर्तव्य है। निसंकोच पूछिए। क्या आपकी दिव्य वैष्णवी शक्ति के प्रभाव से मेरे पति सूर्यदेव के मन से मेरी उपेक्षा के भाव का अंत भी होगा? अवश्य अवश्य होगा, किंतु आपको इसके लिए भिन्न प्रकार की तपस्या के साथ साथ सूर्यदेव से पुनर्मिलन की प्रतीक्षा करनी होगी। देवी, हे जगतपाल, मुझ दुखियारी नारी के कल्याण के लिए आप जो कुछ भी उचित समझे वही करें। देवी, संज्ञा के शरीर से आकार प्राप्त करने के कारण संसार आपको देवी छाया के नाम से आदर प्रदान करेगा। मेरे लिए क्या आ गया है जगदीश्वर? वर्तमान और भविष्य को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। देवी, आपको कई महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करना है, किंतु सबसे पहले आपको सूर्यलोक जाकर सूर्यदेव के प्रेम को संतुष्ट करना है। देवी, जो आ गया जगदीश्वर। ऐसा विचित्र रूप प्रदान कर दिया आपने मुझे, ये मेरे किन पापों का दंड है जगदीश्वर? क्या अब मुझे जीवन भर इसी प्रकार अश्विनी के रूप में रहना होगा? क्या मेरे नारायण व्रत का यही फल मिलना था मुझे? देवी, अपने ही भ्रमजाल में उलझकर आपने पाप नहीं अभिमान किया था, किंतु आप विचलित ना हो। आपका ये अश्विनी स्वरूप आपके सूर्यदेव के पुनर्मिलन के लिए हमारी लीला मात्र है। किंतु कब तक प्रभु? तब तक जब तक आपकी प्रतिरूप छाया सूर्यलोक से लौट कर नहीं आती। उनके लौटने के पश्चात ही आपको अपना पूर्व रूप पुनः मिलेगा। देवी, सूर्यदेव भी आपको सहर्ष स्वीकार करेंगे। उनके मन में आपके प्रति सम्मान की भावना जागेगी और आपका हृदय भी उनके प्रति पूर्ण समर्पित होगा। देवी, जो आज्ञा प्रभु, मैं आपकी इस लीला को अपनी भक्ति का वरदान समझकर स्वीकार करती हूँ। इसमें अपना तन मन समर्पित करती हूँ। देवी संज्ञा, जब तक सूर्यदेव स्वयं यहाँ ना आ जाए तब तक आप निरंतर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आपका कल्याण हो देवी। सूर्याय नमः। सुंदर, अति सुंदर वातावरण। शीतल, अति शीतल, अति सुंदर वातावरण। तपस्या पूर्ण करके लौट आई संज्ञा। स्वामी, आप मुझे छाया कह के पुकारे स्वामी। वास्तव में मैं संज्ञा की छाया हूँ, किंतु श्याम वर्ण के अतिरिक्त हमें तो तनिक भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। संज्ञा हो अथवा छाया, क्या अंतर है? अंतर है स्वामी, अब मेरे हृदय में जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आपके प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बीती स्मृति और कड़वाहट को भुलाने के लिए आप मुझे नए नाम से पुकारे। छाया, छाया, छाया।
हम दोनों की प्रेम रसधारा से सूर्यलोक का वातावरण अधिक प्रफुल्लित हो जाएगा। हमारे प्रेम से जीवन के नवीन सत्य की कल्पना साकार हो उठेगी। तुम्हारे स्वभाव का ये अंतर देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए छाया। स्वामी, जिस प्रेम और समर्पण के हम आकांक्षी थे वो हमें प्राप्त हो गया। आओ छाया, हमारे प्रेम से शून्य हृदय को अपने निर्मल प्रीत से भर दो। भागवत कृपा से संज्ञा के नए रूप छाया ने सूर्यदेव को अपने प्रेम से संतुष्ट कर लिया। फिर क्या हुआ स्वामी? प्रेम की इस बयार से सूर्यलोक ही नहीं अभी तो समस्त संसार महक उठा, और देखते ही देखते छाया सूर्यदेव के दो बच्चों की माता बनी। शनिदेव और तपति, ये दो नए सदस्य आने से सूर्यलोक प्रसन्न हो उठा। प्रकृति के दिव्य नियमानुसार तथा शिवेच्छा से शनि और तपति जन्म लेने के साथ ही युवा हो गए। पुत्र शनि, पुत्री तप्ति, मेरे समीप आओ। प्रणाम माते। पुत्र शनि, कहाँ भ्रमण करते रहते हो, कभी भी अपने माता के समीप नहीं आते। माते, मैं आकाश में एक ओर खड़ा अपने पूज्य पिताश्री के निरंतर भ्रमण करते रथ को देखता रहता हूँ। वे समस्त ग्रहों को बल और तेज प्रदान करते हैं माते। हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता संसार के सन्मुख अपने कर्तव्य निष्ठा का आदर्श है। संसार की भांति तुम्हें भी अपनी कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा उनसे प्राप्त करना आवश्यक है। नहीं माते, मैं क्षमा के साथ कहने का इच्छुक हूँ, ये मेरे पूज्य पिताश्री मेरी घोर उपेक्षा करते हैं। अर्थात कि जब मेरे शनि लोक को तेज प्रदान करने की बारी आती है तब पिताश्री उपेक्षा से अपना मुंह घुमा लेते हैं। इसी कारण माते शनि लोक में अंधकार है। माते, मेरे पिता का मेरे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों माते? पिताश्री सत्य कह रहे हैं माते, क्या ये पिताश्री का शनि लोक के प्रति अन्याय नहीं है? मुझे स्वामी की तुम्हारे प्रति उपेक्षा का आभास है पुत्र, किंतु कारण समझ में नहीं आता वे मेरे पुत्र के प्रति उपेक्षा का व्यवहार क्यों करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है माते, पिताश्री ने मुझे भी कभी पिता का प्रेम प्रदान नहीं किया। मेरे भी समझ में नहीं आता कि गृहपति के स्थान पर प्रतिष्ठित रहते हुए भी पिताश्री सबके प्रति समान व्यवहार क्यों नहीं करते। कदाचित वे मेरी शक्ति से भयभीत रहते हैं। शनि, इसका कारण तुम्हारा स्वभाव है। तुम अपने तेजस्वी पिता को भयभीत बताने का दुस्साहस करते हो। किसी के प्रति तुम्हारे मन में पूज्य भाव नहीं है। क्या देवराज इंद्र, देव गुरु बृहस्पति को तुम सम्मान की दृष्टि से देखते हो? अपने समान ग्रहों के साथ भी तुम्हारा व्यवहार मैत्रीपूर्ण नहीं है। तुम अपने आप को हर एक से श्रेष्ठ, पराक्रमी और शक्तिशाली समझते हो,
पिताश्री। सत्य को सुनकर उत्तेजित हूँ शनि, तुम जन्म से ही अहंकारी और साथ साथ उद्दंड भी हो। मेरे बार बार समझाने पर भी तुम विनम्र होने को प्रस्तुत नहीं। ऐसी स्थिति में तुम हमसे प्रेम पूर्ण व्यवहार की आशा कर भी कैसे सकते हो? किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है। झुकना मेरा स्वभाव नहीं है पिताश्री। तो ऐसे उद्दंडों को शक्ति और तेज प्रदान करना मेरा कर्तव्य नहीं है। स्वामी, स्वामी, शनिदेव को इस प्रकार प्रताड़ित करना अनुचित है। उचित और अनुचित का भेद मुझे भली भांति ज्ञात है। मुझे शिक्षा देने का दुस्साहस ना करो। पिताश्री, आप अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करके मुझे विद्रोह के लिए विवश कर रहे हैं। पिताश्री, मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपने मेरी माता छाया, मुझे और मेरी बहन तप्ती को कभी सच्चा प्रेम प्रदान नहीं किया। शनि, सत्य को सुनकर उत्तेजित के हुए, क्या ये सत्य नहीं कि जब जब मेरी माता छाया ने आपके प्रति प्रेम और समर्पण की भावना प्रस्तुत की, तब तब आपने यम यमी की माता संज्ञा का स्मरण किया? यह सत्य है, मिथ्या आरोप है। तुम्हारी कोई भी विमाता नहीं है, यही संज्ञा है, यही छाया है शनि। इस भ्रम को हृदय से निकाल दो शनि, ये भ्रम तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। आप सत्य को छिपा रहे हैं पिताश्री, यह कितनी लज्जा की बात है कि समस्त संसार को सत्य से प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव स्वयं असत्य के अंधकार में डूबे हुए हैं। अपने पिता का अपमान करने वाले दुष्ट, लज्जित तेरा होना आवश्यक है। तू सूर्यलोक में रहने के योग्य नहीं है। हम तेरा मुख भी देखने के इच्छुक नहीं है। शीघ्र ओझल हो जा हमारी दृष्टि से। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। ऐसे दुष्ट, दुस्साहसी और अहंकारी पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता। आप मेरे पुत्र के प्रति अन्याय कर रहे हैं। ऐसे दुष्ट अन्याय की भाषा ही समझते हैं। इनसे याचना करने की आवश्यकता नहीं है माते। अब मैं भी अपमान सहन कर सूर्यलोक में एक पल भी नहीं रहूंगा। इनके साथ रहना अपने आप को अपमान और प्रताड़ना में ढकेलने के समान होगा। किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना मुक्ति भी तो नहीं। शनि लोक में तो मुक्ति है। हाँ, तुम उसी अंधकार पूर्ण वातावरण में रहने के योग्य हो। तो आप भी स्पष्ट सुन लीजिए पिताश्री, मैं भी भ्राताश्री के साथ सूर्यलोक का त्याग कर दूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। तुम्हारे हृदय की क्रूरता भी शनि के समान ही है। यदि आप मेरे पुत्र और पुत्री को अपमानित करके सूर्यलोक से निकाल रहे हैं, तुम मुझसे प्रेम और आदर की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? माते, यदि आपके मन में हम दोनों के प्रति रेश भर भी स्नेह शेष है, तो अपमान के इस वातावरण से निकल चलो माते। मैं स्वयं तुमको सूर्यलोक लौटने के लिए मनाने नहीं गया था। तुम भी इन दुष्टों के साथ जाना चाहती हो तो स्वेच्छा से जा सकती हो। अप्रसन्न होकर हमारे साथ रहना और भी अधिक कष्ट देगा। मते, तुम्हें हमारी शपथ, सूर्यलोक का त्याग करो और चलो हमारे साथ। अभी हमारे लिए सूर्यलोक नहीं, शत्रुलोक बन चुका है माते। चलो चलो माते, इस शत्रुलोक में हमें पल भी रहना असंभव है। Thank you.
आनंद के परम पावन अवसर पर अश्रु मत बहाओ, परतंत्रता के बंधन को काटकर स्वतंत्र वातावरण में श्वास ले रहे हैं। आज तो हम शत्रु के बंधन से मुक्त हुए हैं माते। शनि, तुम्हारे पिता तुम्हारे शत्रु नहीं है, उन्होंने तुम्हें जीवन दिया है, जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की है, उन्हें अपमानित ना कर पुत्र। वो अपमानित करने के योग्य ही है देवी छाया, उस अहंकारी सूर्य के साथ किसी की भी नहीं बनती, सभी के साथ अनबन रहती है, जैसे शनि देव के साथ हुई है। बहु तुम यहाँ इस समय उचित अवसर पर उचित बात कहने के लिए ही मैं संसार में विख्यात हूँ। तुम्हारे पिता सूर्य देव की तुम्हारे प्रति शत्रुता मैं जन्म से निहारता आ रहा हूँ। मुझे ज्ञात था शनिदेव कि तुम्हारे जैसा गौरवशाली ग्रह उस अहंकारी सूर्य देव के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकता, वो पग पग पर तुम्हें अपमानित कर रहा था। बुद्धिहीन राहू, तू मेरे महान पति को अपमानित करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? वे समस्त ग्रहों के अधिपति है, उनका स्थान सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तुम्हारे उस श्रेष्ठ पति को ग्रस कर मैं उसके तेज को खंडित कर देता हूँ। श्रेष्ठ वो है या मैं? सत्य कहे शनिदेव, क्या तुम भी अपनी माता का समर्थन करते हो? कदापि नहीं राहू, मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे पिता के कुटिलता पूर्ण संकेत के कारण ही समुद्र मंथन में निकले अमृत को पीते समय विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से तुम्हारे मस्तक को काट डाला था। अपने पिता के कुटिल कुकृतियों पर मुझे तुमसे सहानुभूति है राहु। तो आज से हम इस स्वतंत्र वायु को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मित्र हुए, सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे और दुष्ट देवताओं के हर प्रयास को विफल कर देंगे। मुझे तुम्हारी मित्रता स्वीकार है राहु। सूर्य के तेज को ग्रास कर खंडित करने वाला मेरा मित्र बने, ये मेरे लिए गौरव की बात है। अपने अहंकारी पिता सूर्यदेव से विद्रोह करने पर मेरी बधाई स्वीकार करें मित्र शनिदेव, आपकी जय हो। दुखी मत हो मां, मेरे साथ चलकर शनि लोक में निवास करो। सत्य तो यह है कि केवल तुम्हारे प्रेम के कारण मैं आज तक बिना इच्छा के सूर्य लोक में रहता रहा, किंतु अब रिक्त पड़े शनि लोक में हम तीनों रहेंगे मां। चलिए। स्वामी, स्थितियां तो एक बार फिर पहले जैसी ही हो गई। हाँ देवी, इतिहास एक बार नहीं बार बार अपने आप को दोहराता है, और इतिहास ने एक बार फिर अपने आप को दोहराकर छाया के सामने वही स्थितियां खड़ी कर दी हैं जो कभी देवी संज्ञा के सामने आई थी। परंतु देवी संज्ञा के कठोर भागवत भक्ति का ये परिणाम, ये तो एक नारी के साथ अन्याय है स्वामी। वर्तमान के घटनाक्रमों को देखते हुए तुम्हारा नारी मन इसे अन्याय अवश्य कह सकता है, परंतु जब तुम प्रारंभ से अंत तक इस कथा को सुनोगी तो तुम्हें लेश मात्र भी इसमें अन्याय का आभास नहीं होगा। ये घटनाएं अपनी गति और शिवेच्छा के साथ एक ऐसे पड़ाव की ओर बढ़ रही हैं जहां इन घटनाओं में जन्मी दुर्घटनाओं का अंत स्वयं ही हो जाएगा और प्रेम का शाश्वत फूल खिलेगा। तब तो आप शीघ्र ही मुझे ये कथा अंत तक सुनाएं कि शनिदेव के साथ तपती और छाया शनि लोक पहुंची, तब क्या हुआ? नीली आभा से युक्त शनि लोक का वातावरण विचित्र ध्वनियों
आर्तनाद स्वरों और कराती हुई पुकारों से भरा हुआ था। शनिदेव की जय। शनिदेव की जय। आश्चर्य है, पीड़ित कष्टदायक स्वर के साथ साथ ये जय जयकार भी सुनाई दे रही है। पुत्र शनि, ये स्वर किनके हैं और इन्हें कष्ट क्यों दिया जा रहा है? माते आप ही बताएं कि ये स्वर किसके हो सकते हैं, तब भी तुम ही बताओ इन्हें कष्ट क्यों दिया जा रहा है। यदि हम बता पाते तो ये प्रश्न करते ही क्यों? हाँ माते, पीड़ा के ऐसे करुण स्वर हमने आज से पूर्व नहीं सुने, आप ही बताएं भ्राता श्री। पीड़ा से उभरे ये समस्त स्वर उन दुष्टात्माओं के हैं जो मेरे द्वारा रचित विश्व में अपनी दुष्कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं भ्राता श्री। तप्ती, मेरे द्वारा रचित इस शनि संसार के व्यवस्था के अनुसार हर जीव को जीवन में कुछ समय शनि देव के इच्छा से बिताना ही पड़ेगा। हर जीव अर्थात? हर जीव का अर्थ अत्यधिक भयानक है माते। इससे साधारण मानव जीव जंतु देवता दैत्य अथवा त्रिदेव भी मुक्त नहीं है। किंतु इन्हें कब तक ऐसा नारकीय जीवन जीना पड़ेगा? जब तक जीव अपने कर्म फल भोग कर मुक्त नहीं हो जाते तब तक दैया और साढ़े साथी उन्हें पीड़ित करते रहेंगे।